हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो? प्लीज मुझे बताओ कमेंट करके। ये देखिए मेरे गली का रास्ता, जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ का रास्ता ऐसा है। यहाँ के लोग बनाते भी नहीं, देखिए कितने पानी है। ऐसे मुझे हम लोग को जाना पड़ता है, पानी आता तो यहाँ तो स्विमिंग पूल बन जाता है। अब मैं यहाँ पे तुरंत रास्ते में पहुँच गई और मैंने बहुत देर तक ऑटो का इंतजार किया। जिस ऑटो से मुझे जाना था वो ऑटो आ ही नहीं रहा था, जो आ रहा था वो भरा ही हुआ था। और आज बहुत खराब दिन था, बहुत ज़्यादा। मुझे एक ऑटो मिली भी तो वो अच्छी नहीं थी, वो जो चला रहा था वो अच्छा से नहीं चला रहा था। ऐसा कर रहा था जैसे कि अभी गिरा देगा, मुझे पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये देखिए मुझे ऑटो मिला। उसके बाद यहाँ इतना ट्रैफिक होता है कि कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करो तब जाके ट्रैफिक खुलेगा। और बस हम लोग को बोला था लेडीज़ लोग को कि लड़कियाँ बात करती है, औरत बात करती है, पर ये जेंट्स भी होते हैं जो कहीं पर मौका नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए ट्रैफिक खुलने के बाद में अब हम चल पड़े अपने एकेडमी के लिए। धीरे 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 जाओ, धीरे धीरे जाओ। पर ये ऑटो ड्राइवर जो रिक्शा टुक टुक बोलते हैं हम लोग, ये तो अजीब ही। फिर मैं पहुंच गई, अब मैं चली अपने एकेडमी। मैं लिफ्ट खुलने का इंतजार करूंगी। अब देखिए ये 1 फ्लोर में था, अभी तुरंत आ जाएगा। ये देखिए जंतर मंतर भंतर मंतर या छू, अभी खुल गया, ये खुल गया। फिर मैं इसके अंदर घुस गई। अब मैं चली अपने अपने फ्लोर पे, अभी देखिए फिर खुल जाएगा, ये खुल गया। ये रहा मेरा एकेडमी। फिर मैं अपने क्लास में आ गई। मैं कैसे लग रही हूँ देखिए मेरे क्लासरूम का। ये हमारे क्लासरूम है जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मैं प्रैक्टिस करके चली घर, बाय। ये देखिए मैं ऑटो में बैठ गई, अब मैं चली गई घर। ये ऑटो वाले अच्छे थे, फिर जाम मिल गया मुझे आने वक्त। पर आज ज़्यादा वक्त नहीं, फिर मैं मकई लेके आई थी जिसे भुट्टा बोलते। फिर मैंने खाया, यम्मी।